सोनीपत में पूर्व सांसद जितेंद्र मलिक ने कुलदीप शर्मा को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने गन्नौर से कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा को रावण बताया। मलिक ने कहा है कि 21 अक्टूबर को बीएसटी ग्राउंड में दशहरा मनाएंगे, लंकापति दशानंद का दहन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान खुलकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ दिया था, लेकिन अब बीजेपी उम्मीदवार निर्मल चौधरी को विजय बनाने के लिए प्रचार कर रहा हूँ। मैं श्रीमती निर्मला चौधरी को सपोर्ट कर रहा हूं और मैं गन्नौर वासियों को आज ही मुबारकबाद देता हूं 21 तारीख को दशहरे की। इस 21 तारीख को दशानंद लंकापति का जो है दहन हो जाएगा। उसका वजह गन्नौर के लोगों ने कभी भी और राजनीति में भी, चाहे वो किसी भी जाति का किसी भी वर्ग का राजनेता रहा हो, जिसने जात पात की राजनीति करी है वो आदमी लंबा राजनीति में चल नहीं पाया है। तो लोग इस जाति पाति के खिलाफ गन्नौर के अंदर वोटिंग करेंगे और निर्मल चौधरी 21 तारीख को 15,000 से ऊपर से जीतेंगे।